क्या ये एक प्राइवेट एयरपोर्ट है? बारिश ने काफी भयानक मोड़ ले लिया। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपको लगेगा हर बार ऐसे ही बोलता है, बट सच्ची में कल रात में ही प्लान हुआ है, कुछ डिसाइडेड नहीं था। मेरा आज फास्ट है, तो जो हम 3 बजे रात में खाने को उठते हैं तब ये जगा हुआ था और ये बोलता है कि अपन जा रहे हैं सुबह में। तो अब बस प्लान आज का है और कल का है, बताने का कि नहीं बताना? बता दे दे क्या मैं सोच पा तो डालेंगे ही ना। राइट, तो आज पहला दिन। अब हमने लिए कार, और कार लिए 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए। कार मिली नहीं है, तो सब जगह फुल है, कार मिली नहीं रही थी, एक नसीब से मिली और अब वही जा रहे हैं। होपफुली मिल जाए, अगर मिली तो 3 दिन के लिए हमारे पास कार है। और आज हम रहेंगे अटलांटिक सिटी में। कल का और परसों का तो सस्पेंस रहा, आज का तो बता दिया। सेम सिनारियो होता है, प्लान एकदम सडन बनते हैं और कोई सोया नहीं रहता है। तो बस अब होप करते हैं हमें कार मिल जाए। 3 दिन नहीं सोना, घूमने फिरने लग जाओ तो नींद भूख प्यास का कुछ समझता नहीं। कार ने उतार तो दिया, ये एक प्राइवेट एयरपोर्ट है छोटा सा, तब हमको मिल रहा नहीं है कि हमारी कार कहाँ से मिलेगी। ऐसा क्या हुआ जो हमें सड़क पे बैठने की नौबत आ गई? तो ऐसा है कि जैसे मैंने बताया ये प्राइवेट एयरपोर्ट है, तो हमें कहीं एंट्री मिल ही नहीं रही थी। फिर एक ऐसे ही वर्कर से पूछ लिया, जो हर्ट्स कार रेंटल से हम ले रहे हैं, तो बोला हमें उसी के लिए काम करता हूँ। तो उससे पता चला कि यहाँ पर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे पैसेंजर्स हो गए या पायलट्स हो गए, उन्हीं को वो कार मिल सकती है। ऐसे नॉर्मल लोगों को मिल नहीं सकती, बोलते आपको अलाउ भी कैसे किया? अब हम उनको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि हमको कहीं और से बताओ। अरे यहाँ पर चल रहे तो सब देख के लग रहा होगा कितने पैसे वाले लोग प्राइवेट प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, बट सच में बताओ तो सड़क पर बैठे गाड़ी नहीं मिल रही है। तो भाई ट्राई कर रहे हैं दूसरी जगह से पिकअप का, रीच आउट करने का। लेट्स फाइनली 1.5 घंटे बाद हमारी बात हुई है। अब हमको उन्होंने दूसरी जगह पे शिफ्ट किया है। नॉट हर्ट, ये एविस है। कार भी चेंज हो रही है सब। तो अब ऊबर आई है, ऊबर में बैठ के हम चल जा रहे हैं न्यूपोर्ट। आई होप वहाँ से हमको कार मिल जाए। ठीक लग गई है ट्रैफिक। वो अच्छा, हमको 11:30 की बुकिंग दे रही थी, हमने बोला 11:15 की दे दो, बोला एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचना। आई होप अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो। सुस्त हो गए हम लोग, जर्नी स्टार्ट हुई। जैसे हाथ में स्टेयरिंग आएंगी तब आँख खुलेंगी। राइट, बोला था ना मैंने अभी तक मिली नहीं है कार। न्यूपोर्ट मॉल, इसके अंदर ही काउंटर है एविस का। मिल गई, फाइनली गाड़ी मिल गई है और अब जा रहे हैं गाड़ी ढूंढने। सर इसको क्या बोलते हैं? ASLE आइसले आयल होता है, आयल। अब गाड़ी किधर है, गाड़ी किधर है, गाड़ी किधर है? आई थिंक वो है, वो जो वाइट के पहले खड़ी है, कॉम्पैक्ट SUV है। पहले फोर्ड बताया, बट आज आज ये बट आज हमारे बस का, हमारे प्लान के हिसाब से कुछ चल ही नहीं रहा है। जो हो रहा है खुद से ही हो रहा है, अपने आप हो रहा है। नई लग रही है, स्मेल नई गाड़ी की आ रही है। लेट्स सी, सब कुछ बराबर। बाय बाय जी। बहुत लेट हो गए हम लोग प्लान के हिसाब से, 2-3 घंटा लेट हो गए। पानी का कैरेट ले लेते हैं, ये सबका कॉपीराइट आता है यार। तो हमारा फाइनली ट्रिप चालू हो गया है 12:20 पे। खाना पीना चालू है, इस बार तू चिल रह सकती है। लास्ट टाइम में स्टार्ट वो मैं तेरे एक्सप्रेशन देख के, काश इसको सनरूफ होता तो अभी मैं निकल के आप लोगों के लिए। मेरे को क्या है, मैं आप लोगों के सीट बेल्ट लगा। कितना टाइम है
अटलांटिक सिटी बोले, 2 घंटे 3 घंटे की राइड है, 2 घंटा 52 मिनट। लाइसेंस आ गया दीपांशु का, आप तो पता है इसको अच्छी चलाएगा, तो भी चलेगा। हाँ इंश्योरेंस भी हमने ऐसा लिया है कि ठोकने पे भी होगा, सामने वाले का भी खर्चा होगा, सब होगा, बट इसका कुछ के लिए एक्स्ट्रा पैसे भरे कि सामने वाले का भी देंगे भाई। ठोकना नहीं है, हम क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, अपन क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, ठोकेंगे बिल्कुल नहीं। चार्जिंग पोर्ट एक ही एक और होना चाहिए था तो अच्छा होता, नॉर्मल सा है, मजा आएगा। डिफरेंट है इंडिया में और यहाँ पे ड्राइविंग, आदत डालनी पड़ेगी। जुगाड़ मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि गाने चल रहे हैं, मेरे को फिर कट करना पड़ता है। कब गर्मी शुरू हो गई है और साथ ही शुरू हो गई है बारिश, मेरा रोजा है और ये खाए जा रहा है। नहीं मैंने पूछा, ये देख ये देख ये देख, क्या अपना ऐसा सीन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स वाला, अटलांटिक सिटी गए और बारिश, मेरे को याद नहीं है फ्रेंड्स में तो याद। वाह पोर्श, बारिश ने काफी भयानक मोड़ ले लिया है, जब मैं आसमान में चला था तो अभी तो पूरा बादल ही मेरे सामने आ गया, प्लेन उड़ा था ना, हां तो कुछ भी नहीं। तो मौसम खुल गया है, ऐसा मौसम हो तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये अभी ऐसा ही रहेगा, जो बारिश बारिश थी वो हमारे जर्सी में थी, अटलांटिक सिटी में और उसी रूट में नहीं है। बहुत अच्छा आउटलेट है भाई, सैंडविच तो ये है आउटलेट जो अचानक दिख गया समस्त झाड़ के नीचे खुले आसमान में। थोड़ी देर आराम करते हैं, मैंने नमाज पढ़ ली, अंदर जाके शॉपिंग करनी है, फिर जर्नी कंटिन्यू। मैं दूसरे इसमें जा रहा हूँ, ठीक है। शॉपिंग का आउटलेट दिख गया तो बिना शॉपिंग किए रहा नहीं जाता है, बहुत बड़ा आउटलेट है। आप देखो वहाँ से स्टार्ट हुआ है सारा सारा सारा, फिर वो पीछे से भी पूरा घूम रहा है, पूरा पूरा बहुत अच्छे लगे यार। बट मैंने दूसरे लिए है जान, वो रैप्ड है, बाद में बताता हूँ। टाइम टू गो, टाइम टू गो। चार घंटे के ऊपर हो गया है और शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही है। सामान 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 सामान, अटलांटिक सिटी में क्या मिलेगा, लेट्स सी। चलो अभी continue for 10 miles. बहुत फर्क है आपकी ड्राइविंग में, हमको नजर आ रहा है। अभी तक आप बैठी है कैसे, क्या रिएक्ट नहीं कर रही है, क्या है? मैं कोई पता है मैं कितने काम चला रहा हूँ, मैं आगे नहीं देखूँगा। तो वो है अटलांटिक सिटी, हम पहुंच रहे हैं बस 9 मिनट में फाइनली, और बज रहे हैं 7:36। अभी तक ऑलमोस्ट 1 घंटा है मेरे फास्ट ब्रेक करने को। बॉल गिर गया कभी तो टर्न लेफ्ट ऑन टू मैरिलैंड। तो न्यू जर्सी में मेरा फास्ट ब्रेक होने वाला था 8:18 पे, और इधर है 8:15। 3 मिनट जल्दी खाना खाऊंगा। बस ये बीच है, बहुत फेमस बीच है, बोर्ड वॉक बोलते हैं इसको, पूरा लॉन्ग वॉक एरिया है समंदर के किनारे, हम वही जा रहे हैं, सारी वही होंगी। ये है वो बोर्ड वॉक जो मैं बोल रहा था, बीच, सनसेट स्काई,
नए नए जूते लेके सीधा रेत में। सनसेट हो गया है, टाइम है खाने का, इफ्तार करने का। जब पता नहीं काला काला फ्लाई जुड़ा इतना काट रहा है। अरे हाँ, गोल्फ कोर्स है जो आपने मिस्टर बीन में देखा होगा। बंद हो गया। वहाँ आगे कुछ भीड़ है, वहाँ जाते, बट हो रहा है ऐसा सिर्फ हम ही इधर जा रहे हैं, बाकी सब इधर आ रहे हैं। भीड़ तक तो पहुंच गए, अभी चलते रहो। चल क्या रहा है? लोग चल रहे हैं और धुआ है। ये है इधर की सबसे टॉप मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन, ब्रॉड वॉक। ब्रॉड वॉक है? हाँ, ब्रॉड वॉक है पागल, ब्रॉड वॉक। देखिए बहुत वर्ल्ड फेमस आइसक्रीम है बोर्ड वॉक की आइसक्रीम, 28 फ्लेवर्स है उनके पास। और हम चले जा रहे हैं, अब हम होटल ढूंढ रहे हैं, सस्ती होटल ढूंढ रहे हैं एक्चुअल में। किसी को पता हो तो बता दो। यहाँ पे ट्राई कर रहे रूम है, गाड़ी जो पार्क की है वो तो अभी तक और काफी दूर पार्क की है। फाइनली होटल मिल गई है, दो तीन जगह पर से ना 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 होने के बाद। एक्चुअली रेट्स काफी हाई है यहाँ पे, सामान भी तो लेना है डिक्की में। सैटरडे नाइट भी है और हम आए भी लेट है, तो बहुत 300-400 बस एक नाइट के, और हमको बस एक नाइट के लिए चाहिए, फिर हम सुबह निकल रहे हैं। प्लान तो था बाहर जाने का कि थोड़ी नाइट लाइफ एक्सप्लोर करते, बट मन नहीं है, थके हुए भी है, तो पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, नॉट येट डिसाइडेड, बट आई डोंट थिंक जाएंगे। ऐसा ही सोच रहा हूँ कि सुबह कल जल्दी उठे और जाए थोड़ा बीच बीच पे जाए, एक्सप्लोर करें आधा दिन में भी, एंड देन उसके बाद सीधा निकले वॉशिंगटन DC।